वी आर लाइव। नमस्कार सभी को, आज हम ज्वाइन हुए हैं कमला जी के साथ और पुरुषोत्तम जी के साथ। तो मैं पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगी कि वे चर्चा को शुरू करें। अजिम प्रेम डिजिटल चौपाल में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस डिजिटल चौपाल में चर्चा का विषय है संविधान और कक्षा। अरे वो बंद कर दिया यार, सुनाई नहीं दे रहा पुरुषोत्तम। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से पुरुषोत्तम जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आज हम ज्वाइन हमें कर रही हैं कमला भसीन जी। वैसे इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना फर्ज निभा देती हूँ। कमला जी एक नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो स्त्री पुरुष समानता पे काम करती हैं, साथ ही शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकार में देश में ही नहीं दक्षिण एशिया के बहुत सारे भागों में, दुनिया में उन्होंने काफ़ी सारा काम इस चीज़ पर किया है। कमला जी ने पितृसत्ता और स्त्री पुरुष समानता में बहुत लिखा भी है और मैं एज अ स्टूडेंट कह सकती हूँ कि मैंने उनकी ढेर सारी किताबें पढ़ी भी हैं और आज मेरी जो भी थोड़ी बहुत समझ बनी है वो इन किताबों से बनी है। साथ ही इनकी किताबों का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और कमला जी ने न केवल बहुत अकादमिक लेखन किया है बल्कि बहुत सारे गीत लिखे हैं, नारे लिखे हैं, पोस्टर किए हैं और जो बहुत मुखरता से इस बात को सामने रखते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ भी बहुत काम किया है और उनके लिए कई सारी किताबें और कहानियाँ लिखी हैं। कमला जी जागोरी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और नारीवादी सिद्धांतों पर दक्षिण एशिया में काम कर रही संस्था संगत की वो संस्थापक सदस्य भी हैं और उनके साथ वो काम करती हैं। और मैं अब ये लिखे हुए परिचय से अलग हटके जो मेरी एक विद्यार्थी के रूप में उनकी समझ है, मैं उस पर थोड़ा सा कहूँगी कि जिस वजह से हम कमला भसीन जी को इतना पसंद करते हैं या उनसे बात करने के इतने इच्छुक होते हैं वो ये बात है कि जितनी मुखरता से वो पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बात करती हैं, जो केवल जो अक्सर एक नारीवादी समाज, नारीवादियों के ऊपर एक तमगा लगा होता है कि झंडा लेकर खड़े होते हैं, और मुझे लगता है ये झंडा जो उन्होंने दिया है उससे समझ हमारी बहुत अच्छी बनती है। जहाँ वो ये बात आती है कि पुरुष से समस्या नहीं है, पुरुषत्व का जो ये हमने पुरुषत्व की जो बातें की हैं कि वो सबसे ज़रूरी है, वही सबसे अच्छा है, उससे हमें समस्या है। और इस पूरी रूढ़िवादी समझ में पुरुष भी उसने ही फंसे हुए हैं जितनी महिलाएं फंसी हुई हैं, और मैं इसे महिला और पुरुष के अलावा जितने भी जेंडर हैं वो सभी जेंडर इस पूरी व्यवस्था में फंसे हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस व्यवस्था को समझें और उसके अनुसार काम करें। साथ ही मैं अपने शिक्षक साथियों से खास तौर से कहूँगी कि अक्सर स्कूल को पर यह बदनामी का तमगा लगता है कि स्कूल में भी बहुत सारी जेंडर की समस्याएं हैं और वो बढ़ावा देती हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरी उम्मीद भी सारी केवल स्कूलों पर ही निर्भर है कि स्कूल ही वो जगह हो सकती है जहाँ पर हम इन चीज़ों से आगे भी बढ़ सकते हैं। शिक्षक के पास वो ताकत है, शिक्षक के पास वो समझ हो सकती है और वो मौका है जब वो बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में एक बेहतर समाज की कल्पना के बीज बो सकते हैं, वो एक जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम बना सकते हैं। और आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो इसी बारे में है कि हम पहले समझें कि ये समस्या पूरी है क्या, व्यवस्था क्या है, और उसके बाद कक्षा में शिक्षक क्या कर सकते हैं, स्कूलों को हम किस तरह से जेंडर सेंसिटिव बना सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं संदर्भ रख देती हूँ कि डिजिटल चौपाल का, मध्य प्रदेश में क्योंकि हम जानते हैं COVID-19 की वजह से बहुत सारी सभी संस्थाएं बंद हैं, हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में और कई जगहों पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है जहां हम अलग अलग लोगों से इस माध्यम से जुड़ते हैं। इसी संदर्भ में सागर में जैसे पिछली बार हमने प्रोफेसर पूनम बत्रा से बातचीत की थी जहां उन्होंने बहु बचपनवाद के ऊपर बातचीत की थी, और उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं जहाँ हम आज कमला जी से बात कर रहे हैं संविधान और कक्षा में जेंडर समानता के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इन सभी चीज़ों का और भूमिका बांधने में बहुत वक्त जाया नहीं करूंगी, और मैम आपके ऊपर मैं माइक देती हूँ, प्लीज कंटिन्यू।
तो दोस्तों जय संविधान, जय समानता, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक। मुझे खुशी है कि आप लोग इस लॉकडाउन में भी चर्चाएं कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मुश्किल दौर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे बात करने के लिए मध्य प्रदेश में भी बुलाया। इसके पहले मैं दो और राज्यों में एक बार तो जाके बात कर चुकी हूं और एक बार ऑनलाइन बात कर चुकी हूं। दोस्तों मैं आज के विषय पर आऊं उसके पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं शोक में हूं। काला दुपट्टा मैं शोक की वजह से पहन कर आई हूं और शोक मुझे कोरोना वायरस की वजह से नहीं है, मुझे शोक है हमारे मजदूरों की हालत देखकर। लाखों को औरतों, मर्दों, उनके बच्चों को सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर चलते हुए देखकर एक बहुत गहरा शोक है कि 70 साल के बाद भी हमारे देश में इतनी असमानताएं हैं और लगता है कि हुक्मरानों को इस असमानता पर शायद कोई ज्यादा दुख भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए तो हवाई जहाज चल रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, एयर कंडीशन बसेस उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। लेकिन जो लोग हमारे देशों को बनाते हैं उनका इतना बुरा हाल है। और दोस्तों आज ये साफ जाहिर है कि कोरोना वायरस से बड़े भी कुछ और वायरस हैं, उनमें से एक है असमानता। और असमानता कई प्रकार की होती है, जो आज हमें दिख रही है वो अमीर और गरीब के बीच में असमानता है। लेकिन इसके साथ साथ हम जानते हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, औरत और मर्द के बीच की असमानता, ब्राह्मण और दलित के बीच की असमानता, हिंदू और मुसलमान के बीच की असमानता, बूढ़ों, जवानों और बच्चों के बीच की असमानताएं। मैं ये मानती हूं कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, असमानता के वायरस। हमारा संविधान कहता है कि सब समान है, मगर हम भारत के लोग नहीं कहते, नहीं मानते, नहीं करते। तो शोक में हूं, मगर जिंदगी को आगे चलना है, अपनी बातचीत को आगे चलना है। तो हमारा जो विषय है आज वो है संविधान और कक्षा में जेंडर समानता। तीन बड़े बड़े शब्द हैं, संविधान, कक्षा और जेंडर शब्द है। ये तीन शब्दों को अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा संविधान, अंग्रेजों को विदा करने के बाद तीन साल तक करीब 300 लोगों ने, जिनमें 18-19 महिलाएं भी थीं, हमारा संविधान रचा बाबा साहब अंबेडकर की सदारत में। वो चेयरपर्सन थे संविधान बनाने वाली कमेटी के। हमारे संविधान को दुनिया के अच्छे संविधानों में गिना जाता है। ये संविधान बहुत लंबा है, यानी बहुत विस्तार से इसके अंदर चीजें कही गई हैं। हमारे इतिहास में पहली बार हमारा देश एक देश बना। इसके पहले अलग अलग रजवाड़े थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग नवाब थे। ये पहली बार हम एक देश बने और पहली बार लिखित में कहा गया कि सब इंसान जन्मगत
आजाद है, सबकी अस्मिता है, सबके अधिकार हैं। इसके पहले 4-5 हजार साल तक ये ना तो कहा गया ना माना गया कि सब इंसान बराबर हैं। राजा ऊंचे थे, कई जगह पर भगवान का रूप थे, पुरुष महिलाओं से ऊंचे, ब्राह्मण शूद्रों से ऊंचे, मतलब वो मान्य थी। लेकिन हमारे संविधान ने कहा नहीं। फिर हमारे संविधान ने यह भी कहा कि इस देश में सब धर्म बराबर होंगे। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बना, मगर हमारे देश ने कहा कि नहीं, हम एक मुस्लिम देश या हिंदू देश नहीं होंगे, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखेंगे। और इसी वजह से करोड़ों मुस्लिम लोग जिनकी धरती यहां थी, उन्होंने कोई वजह नहीं समझी अपनी धरती को छोड़कर कहीं और जाने की। उन्हें विश्वास था कि हम अपने संविधान को मानेंगे और उनको यहां पर पूरा सम्मान और समानता मिलेगी। तो आज जितने भी मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं गए और जिन्होंने हमारे संविधान में विश्वास किया। औरत होने के नाते मैं अपने संविधान की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे औरत होने के नाते समानता दी और एक समाजवादी होने के नाते, समानता में विश्वास रखने वाले लोगों में से होने के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दलितों को, तमाम धर्मों को, गरीबों को भी समानता, समान अधिकार और आजादी दी। तो दोस्तों, सवाल दो उठते हैं मेरे दिमाग में कि क्या हम अपने संविधान को जानते हैं। अगर मैं अपने बचपन से बताऊं तो मैं 1946 में पैदा हुई, आज मैं 74 साल की हूं, और मैं गांवों के स्कूलों में गई। मेरे पिताजी सरकारी डॉक्टर थे और ज्यादातर गांव की डिस्पेंसरियों में लगे रहते थे। तो और मैं गांव के स्कूल में पढ़ी 10वीं तक, तो वहां मुझे याद नहीं है कि कभी ध्यान से संविधान पढ़ाया हो। हाँ, भारत माता के नारे लगा लेते थे, लेकिन भारत माता कैसी है, मेरे जैसी अमीर औरत है भारत माता या गरीब भी उसको पसंद आते हैं, सिल्क की साड़ी में खड़ी है भारत माता, किसको बचाती है वो हमें नहीं बताया गया। परिवार में भी संविधान पर कभी चर्चा मुझे याद नहीं है, और ना ही मैंने अपने स्कूल में ना अपने घर में संविधान की पुस्तक देखी। तो जहां तक संविधान को जानने का सवाल है, मैंने अपने बचपन में और उसके बाद भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में संविधान को नहीं जाना। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग कितना अपने स्कूलों में किताब कोई देखता है, उसको कोई समझता है, गूगल पर देखते हैं, परिवारों में कितनी बार हम संविधान की बात करते हैं। तो ये तो है जानना। तो मेरी जिंदगी में जानना भी लगभग शून्य था। मानना, अगर जानते भी हैं तो उसको मानते हैं क्या? अब आप पूरे अधिकार देते हैं क्या? हम छुआछूत छोड़ चुके हैं क्या? हम सब जातियों को बराबर समझते हैं क्या? हम दूसरी जातियों और धर्मों वालों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रखते हैं?
गरीबों को उनके अधिकार मिले हैं? क्या कोर्ट कचहरी में गरीब और अमीर समान रूप से न्याय पा सकते हैं? सोचिए। मैम अभी जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैट में कुछ सवाल हम ले रहे हैं और सवाल वहां डाल सकते हैं। हाँ मैम सुनिए, अभी अभी बीच में बंद हो गया था ना? जी 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 मैम बंद हो गया था। तो आप प्लीज मुझे जरा बता दिया करिए, या तो फोन करके बता दीजिए, मेरा फोन मेरे हाथ में है। अच्छा, ठीक है और मैम। एक बात और बताइए कृति, कि जब मेरी फोटो बंद हो जाती है, इसका मतलब क्या आवाज भी जाना बंद हो जाती है? जी मैम, अभी जब गया था तो दोनों? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी तो फिर प्लीज, तो जब ये दिखना बंद हो जाएगा तो आवाज भी चली जाएगी। जी मैम, अभी तो यही हुआ था। जी तो ये क्यों हो रहा है? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है मैम, कुछ नेटवर्क कम है इसलिए ऐसा। जी मेरे जी यहां जी अगर मैं मोबाइल पर करूंगी तो कुछ बेटर होगा क्या, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैम, मेरे ख्याल से नेटवर्क तो सेम ही रहेगा, बाकी थोड़ा सा मोनिदीपा बता सकती हैं अगर हूँ तो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर नेटवर्क सेम जगह से आ रहा है, वाईफाई से ही आ रहा है या कहीं डिवाइस से, तो वो सेम रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो फिर मैं, पर लेकिन मुझे फट से फोन कर दो, बिल्कुल या मैम, अब मुझे ठीक। मालूम है कि जब मैं दिखूंगी नहीं तो मैं दिखूंगी नहीं, इसका मतलब सुनाई भी नहीं देगा। ओके, जी। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी, शोर आ रहा है कहीं से, ये किसी के, आपके यहां से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं, हम हाँ सबके थैंक माइक। यू, नहीं पर आपके माइक से आ रहा है बहुत शोर। तो मैं ये कह रही थी कि हम भारत के लोग संविधान को ज्यादा मानते नहीं है, ये मेरी समझ है और मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए। कुछ लोग मानते होंगे, पर आजकल के हालात देखकर हमने देख लिया कि 70 साल के बाद भी जो गरीबों का हाल है और अमीरों का हाल तो यहां बड़ा जबरदस्त है, इसका मतलब कि हम अभी संविधान को लागू नहीं कर रहे। वो जो किताब है वो बंद पड़ी है, मोटी अपने जिल्द के अंदर पड़ी है, वो हमारी जिंदगियों में उतरी नहीं है। दूसरा शब्द है कक्षा। आप कक्षा को स्कूल कह लें तो बेहतर है, और स्कूल से भी बेहतर है अगर हम उसको शिक्षा कह लें। संविधान और शिक्षा का क्या रिश्ता है? वही सवाल है जो मैंने अभी पूछे थे, कि कितना हम संविधान के बारे में बताते हैं अपने छात्रों को, कितना उसके मूल्यों को हम टीचर्स मैनेजमेंट कितना उन मूल्यों को जीते हैं, और ऐसा क्या है हमारे पाठ्यक्रम में जो इन मूल्यों को हम बच्चों के दिमाग में और दिल में उतारते हैं जब वो हमारे साथ होते हैं। इसके साथ साथ ये भी सवाल जरूरी है दोस्तों पूछना, कि शिक्षा है क्या, हम क्यों शिक्षित होते हैं? नौकरी पाने के लिए? डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी, पेट पल जाएगा,
इससे भी कोई बड़ी चीज है जिसके लिए हम शिक्षित होते हैं। उपनिषद में तो कहा था सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें आजाद करे, मुक्त करे अपनी कमजोरियों से, लालच, स्पर्धा, अशिक्षा का अंधकार, ऊंच नीच, जो हमें आजाद करे। तो अब ये देखना है कि हम इस समय की शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमें आजाद करे औरतों के। अब जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षा का मतलब है शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, काहे के लिए, संविधान को लागू करने के लिए, समानता पाने और देने के लिए। तो जब तक आप शिक्षित होकर संगठित होते को लागू करने की कोशिश नहीं करते, तो बाबा साहब की नजर में तो हम लोग शिक्षित नहीं है। लड़कियों और महिलाओं की नजर से शिक्षा क्या होनी चाहिए, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं सुनाती हूं कि मेरी नजर में शिक्षा क्या है, और फिर आप लोग देखिएगा कि आप अपने स्कूलों में कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। तो एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि पढ़ना है पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है, अरे पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है। बेटी को थोड़ा ताव आ गया, गुस्सा आ गया, बोली जब पूछा ही है तो सुनो मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। यानी वो कह रही है कि अगर मैं लड़का होती ना फादर तो नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और फिर वो देती है जवाब, पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, और कुछ करने में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। अब सोचते जाइए कि क्या हम ऐसे पढ़ाते हैं लड़कियों को और लड़कों को, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, कई जोर जुल्म को समझना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और अंत में कहती है हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गाना है सो पढ़ना है, मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है, और अनपढ़ नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों मैं तो ऐसी शिक्षा को ही शिक्षा मानती हूं, और जो दूसरी शिक्षा चल रही है उसके बारे में मेरे विचार जरा अच्छे नहीं है। आप लोग टीचर लोगों बुरा मत मानना, मैं ये मानती हूं 74 साल की उम्र में कि आज दुनिया में जितनी मुश्किलें हैं, जितनी गड़बड़ है, वो मेरे जैसे अमीरों की वजह से है। मैं ये मानती हूं कि आज अगर दुनिया बची हुई है तो दुनिया के गरीबों की वजह से बची हुई है, जो इस धरती पर बोझ नहीं है,
मैं चार पांच एग्जाम्पल देती हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है क्लाइमेट वाली, पोल्यूशन वाली। तो ये अमीर पढ़े लिखे लोग हैं जो पोल्यूशन करते हैं दुनिया का 90%। हथियारों की बिक्री, हथियारों का व्यापार और जंग, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देश, उनमें से 8 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनका काम है सुरक्षा करना, लेकिन वो तमाम हथियारों के सबसे बड़े व्यापारी हैं और सबसे ज्यादा शिक्षित लोग वहीं पर हैं। आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, भ्रष्टाचार कौन फैलाते हैं, कौन करते हैं? पढ़े लिखे लोग करते हैं, बेचारा गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। अपने देश में मैं देखूं कि दहेज की बीमारी ज्यादा कहां है? अमीरों में। बेटियों की भ्रूण में हत्या करने की बीमारी कहां है? शिक्षित अमीर राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां मैं खड़ी हूं। सबसे बेहतर बेटियों को रखना आदिवासियों में है। आदिवासी जिलों में सबसे कम बेटियों को भ्रूण में मारा जाता है। तो ये हाल है शिक्षित लोगों का। और मैं ये मानती हूं कि अगर शिक्षा में संविधान के मूल्य नहीं है, कल तक मैं कहती थी इंसानी मूल्य नहीं है, पर अब मैं कल परसों से पता मुझे क्या हो गया है कि मैं कहती हूं कि इंसानी मूल्य काफी नहीं है, धरती के मूल्य नहीं है आज काफी, इंसान कहना काफी नहीं है, क्योंकि इंसान ने सत्यानाश कर दिया है। इंसान ने धरती को, प्रकृति को ऐसा उसका बलात्कार किया है प्रकृति का कि त्राही त्राही मची हुई है। तो इंसानी रूल काफी नहीं है मेरे लिए आज। वसुधा को, वसुधा का मतलब पूरी दुनिया के इंसानों को नहीं, नदियों को, समुद्रों को, पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, चिड़ियों को, कीड़ों को, सबको, जिसको बुद्ध ने कहा सेंटियंट बीइंग्स, सबको परिवार समझना। जब तक शिक्षा में ये मूल्य नहीं दिए जाएंगे, जब तक शिक्षा में केवल कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, तब तक शिक्षा केवल ध्वंस की ओर हमें ले जा सकती है, वो हमें समानता की ओर नहीं ले जा सकती। अब मैं दोस्तों आती हूं हमारे तीसरे शब्द पर, जेंडर। जेंडर एक नया कॉन्सेप्ट है, नई अवधारणा है। मैंने सबसे पहली बार ये जेंडर की अवधारणा 1985-86 में सुनी थी, हालांकि उसके पहले 15 साल से मैं काम कर रही थी, मगर जेंडर शब्द इस्तेमाल में नहीं आया था। हां, जेंडर शब्द सुना था, आप सबने भी सुना है अपने ग्रामर की क्लास में, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, स्त्री लिंग, पुल्लिंग, ये शब्द तो वही है, लेकिन बिल्कुल नया इसका मतलब है। आजकल लोग जेंडर 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 कर तो रहे हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि जेंडर क्या है। तो मैं समझा देती हूं जितना संक्षिप्त में समझा सकती हूं। ज्यादातर लोग समझते हैं जेंडर का मतलब है औरत मर्द, नर मादा। ये गलत है, टोटल गलत, ऑपोजिट है जेंडर इसका। अब मेरी दो पहचाने हैं दोस्तों, आप सबकी भी दो पहचाने हैं। एक हमारी शारीरिक पहचान है, एक हमारी सामाजिक पहचान है। शारीरिक पहचान ये है कि मुझे प्रकृति ने मादा बनाया है, मेरे शरीर में और मेरे भाई के शरीर में 4-5% भेद है,
वो भेद ये है कि प्रकृति ने मुझे योनि, बच्चादानी और स्तन दिए हैं और कुछ हॉर्मोन्स दिए हैं और मुझे ताकत दी है कि मैं बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को अपने जिस्म में पैदा कर सकूं और पैदा होने के बाद उसको दूध भी पिला सकूं। ये शक्ति न जाने क्यों प्रकृति ने मर्दों को नहीं दी। अब इसमें मेरा दोष तो नहीं है, प्रकृति से मर्द लोगों को पूछना चाहिए कि भाई हमें क्यों नहीं समझा इस लायक, और आपको जरा कोई व्रत व्रत करना चाहिए किसी का और अगली अगले जन्म में कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर जिस्म लेके तो पैदा हूं, ये क्या घटिया जिस्म लेके 56 इंच की छाती दिखाते फिरते हो, कोई फायदा तो है नहीं उससे। और देखो मेरा मजाक है, जब मजाक समझना और नाराज मत होना, तो ये मजाक नहीं है, वैसे सच्चा है। मेरे भाई के और मेरे शरीर में केवल ये 3-4 चीजें फर्क है। 95% मेरे भाई का और मेरा शरीर एक जैसा है। दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, दिमाग, दिल, फेफड़े, आते, सब कुछ एक जैसा है। केवल कुदरत ने हमें केवल प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अलग बनाया है। इस बायोलॉजिकल डिफरेंस को हम कहते हैं आजकल सेक्स, जिसको मैं हिंदी में कहती हूं प्राकृतिक लिंग। वो फर्क जो प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने कोई और फर्क नहीं बनाया औरत और मर्द में कि औरत मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, औरत देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, मर्द खाना नहीं बना सकते, बच्चों को बोतल से दूध नहीं पिला सकते, मर्द पोछा झाड़ू नहीं लगा सकते। कुदरत ने नहीं कहा, कुदरत ने नहीं कहा कि कमला को दुपट्टा पहनना है क्योंकि वो औरत है। अगर कुदरत ने कहा होता तो दुपट्टा अंदर से मेरी मां के अंदर से निकलता कि ले कमला तेरा दुपट्टा ले ले। कुदरत ने नहीं कहा कि लड़कियों के कान छिदे होने चाहिए और उसमें से चीजें लटकनी चाहिए। कुदरत ने इतने सारे छेद बना दिए तो कुछ और छेद भी बना सकती थी ना। कुदरत ने नहीं कहा कि लड़की को शाम को अंधेरे से पहले घर आ जाना है। ऐसा कोई अंग नहीं है जो कहता है कि भैया वो अंधी हो जाती है, जैसे सूरज नीचे डूबता है औरत को रतौंधी हो जाती है या उसके पैर जो है मोम बन के गल जाते हैं। कुदरत ने सिर्फ ये कहा कि औरत अपने जिस्म से बच्चा पैदा कर सकती है, मगर बच्चा पैदा करने के लिए औरत और मर्द को कोऑपरेट करना पड़ेगा, यानी हमें अलग बनाया ताकि हम मिल सके, हमें अलग नहीं बनाया ताकि एक जना दूसरे को मार सके, हमें अलग बनाया कोऑपरेशन के लिए, मिलकर नई दुनिया रचने के लिए और उस दुनिया का ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों जेंडर क्या है? जेंडर ये सब है समाज द्वारा रचा हुआ। तू लड़की है तो तू ऐसे कपड़े पहनेगी, तेरे बाहर जाने का टाइम ये है, अंदर आने का टाइम ये है, तू ये काम करेगी। सुनो, घर की जो संपत्ति है ना वो तेरे को नहीं मिलेगी और पिताजी का नाम भी तुझे नहीं मिलेगा और खाना भी तू मर्दों के खाने के बाद खाएगी और तू पूरा इंसान तो नहीं है, तो तेरा कन्यादान होगा, जैसे गाय का दान होता है, धन का दान होता है, ऐसे तेरा भी दान कर देंगे। कहां भेजेंगे तुझे पता नहीं होगा, हमें भी नहीं पता होगा, कहीं से पकड़ लाएंगे एक दे देंगे तेरे को, ले जा। और तू लड़का है, कुल का दीपक, जब तू पैदा होता है तो ढोल बजते हैं, जब तू पैदा होता है तो खुशियां होती हैं, तुझे पूरी आजादी दी जाएगी, तुझे खाना सबसे पहले मिलेगा, तू बीमार होगा तो उसी टाइम अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तुझे पढ़ाने के लिए घर की संपत्ति बेचनी होगी तो बेचेंगे, पिता का नाम तुझे मिलेगा, पिता की संपत्ति तुझे मिलेगी और तुझे अपने शरीर वरीर को नहीं ढकना, और तू कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर सकता है और तू जिद भी कर सकता है, तेरी जिद पूरी की जाएगी और तू ये पहनेगा
और तू ये करेगा, और तेरा सिर्फ एक काम है भैया, पैसा कमा के लाना है। म्यूजिक करना चाहता है तो म्यूजिक म्यूजिक नहीं होगा, देख लो। कविता वविता छोड़ दो, टैगोर ने कर ली बहुत कविता। इंजीनियरिंग पढ़ो, दुकान संभालो। तो यानी लड़के को भी ये नहीं है कि पूरी आजादी है, मगर अधिकार ज्यादा हैं, अवसर ज्यादा हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं, प्यार ज्यादा है, मान ज्यादा है। ये सारा तमाम ताम झाम है जेंडर। हिंदी में मैं इसको कहती हूं सामाजिक लिंग। कुछ लोग जेंडर को भी लिंग कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा में लिंग के तीन मतलब हैं। लिंग का मतलब है जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लिंग का मतलब है सेक्स, नर और मादा। और लिंग का मतलब है पीनस, शिवलिंग। तो हम जेंडर को भी लिंग कहें और फिर सेक्स को भी लिंग कह दें तो वो गलत है। इसलिए मैंने जो इसको अनुवादित किया है, सेक्स प्राकृतिक लिंग है, जेंडर सामाजिक लिंग है। मैं ये मानती हूं कि प्रकृति ने भेद बनाती है, प्रकृति, तू औरत है ये मर्द है, ये गोरा है ये काला है, ये ऊंचा है 6 फुट का, ये 5 फुटिया है। मगर कुदरत ने कभी ये नहीं कहा कि 6 फुटिया सुपीरियर है, गोरी औरत सुपीरियर है, मर्द सुपीरियर है। कुदरत ने ये कभी नहीं कहा कि हाथी चूहे से सुपीरियर है, गुलाब गेंदे से सुपीरियर है। प्रकृति ने कहा हर जीवित इंसान अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। तो मैं ये कहती हूं कि कुदरत भेद बनाती है, भेदभाव नहीं बनाती। समाज उस भेद को भेदभाव में परिवर्तित कर देता है। मैं नारीवादी होने के नाते प्रकृति से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं कि अरे अरे आपने मुझे औरत क्यों बनाया, अरे अरे मुझे महावारी क्यों दिया आपने, मुझे क्यों ब्रेस्ट दी, मुझे ढकना पड़ता है। कुदरत की मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे ये शक्ति दी। मेरी नाराजगी, हम नारीवादियों की नाराजगी केवल और केवल समाज से है जिसने औरत और मर्द में ये फर्क किए, समाज से है जिसने इंसानों को ब्राह्मण और शूद्र बना दिया, समाज से है जिसने धर्म बना के फिर धर्मों के अंदर झगड़े करा दिए, समाज से है जिसने अमीर गरीब बना दिए। कि जितनी भेदभाव है, जितनी ऊंच नीच है, हमारी बनाई है। यानी अगर आज हम चाहें तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। और हमारे संविधान बनाने वालों ने चाहा, क्यों चाहा आप सोचो जरा। जो लोग 3-4 हजार से जातिवाद में रह रहे थे, मनुवाद को मान रहे थे, औरत मर्द के फर्क को मान रहे थे, तो उन्होंने 1950 में समानता के नारे क्यों लगाए? पूरी दुनिया ने समानता के नारे क्यों लगाए? क्योंकि दोस्तों दुनिया जानती है कि अगर हमने मिलकर रहना है, अगर हमने खुश होकर रहना है, तो समानता बेहतर है। आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर औरत और मर्द के बीच में समानता नहीं होगी तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकते और खुश नहीं रह सकते। मैं अगर अपने पति से डरती हूं तो मैं खुश नहीं रह सकती, मैं अगर अपने पिता से डरती हूं तो मैं खुश नहीं रह सकती। समानता और खुशी दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो दूसरी बात, आज
पूरी दुनिया मानती है कि अगर औरत आजाद नहीं है तो मर्द भी आजाद नहीं हो सकते। उदाहरण ले लीजिए, मेरा भाई म्यूजिक करना चाहता है लेकिन पिताजी कहते हैं कि नहीं तू डॉक्टर बनेगा। अगर मैं भी लायक हूं और मुझे मेरा परिवार लायक समझता है तो मैं पिताजी को कह सकती हूं कि फादर जी उसको करने दो म्यूजिक, उसको करने दो आर्ट, वो जो करना चाहता है करने दो, मैं बनूंगी ना डॉक्टर आपके लिए। वो नहीं चलाना चाहता आपकी दुकान परचूने की, मैं हूं ना। इसी तरह पुरुष का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वाइफ घर चलाने लायक हो तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बेटियां लायक हैं तो भाइयों को पिताओं को उनके लिए पूरी उम्र दहेज इकट्ठा करके लड़का ढूंढ के लाके करने की जरूरत नहीं है। कभी बस पे छोड़ने जाओ तो कभी फला जगह छोड़ने जाओ, मर्द चौकीदारी करते रहेंगे क्या औरतों की पूरी उम्र? नहीं, जरूरत नहीं है आपको। हमें इस लायक बनाओ ना, हमें इस लायक बनाओ कि हम आपकी रक्षा कर सकें। तो दोस्तों आज जरूरत है दुनिया की जेंडर इक्वालिटी, सामाजिक लैंगिक समानता आज जरूरत है। अब हमें यह देखना है कि भारत में कितनी सामाजिक लैंगिक एकता है। तो अगर मैं 1947 से आज कंपेयर करूं, बहुत फर्क आए हैं। मेरे जैसी औरत भाषण दे रही है आप लोगों को, मेरे देश में औरत प्रधानमंत्री रह चुकी है, कई औरतें मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कुछ औरतों ने पहुंच कर ये ना कह दिया हो कि हम भी कर सकते हैं। IAS, IPS, जजेस, चांद में जाना, मतलब कुछ भी, हवाई जहाज चलाना, घोड़े चलाना, क्रिकेट खेलना। तो औरतों ने साबित कर दिया है कि वो हर वो चीज कर सकती हैं जो कोई पुरुष कर सकता है। हमारे देश ने ऐसा संविधान दिया जो कहता है हम बराबर हैं। हमारे कानून बहुत इंप्रूव कर रहे हैं तब से आज तक। आज औरतों के संपत्ति का अधिकार बराबर है, बलात्कार के खिलाफ अच्छे कानून हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून हैं। औरतों के आगे ले जाने के लिए हमने गांवों में 33% और शहरों में 33% उनको रिजर्वेशन दिया, जो कुछ राज्यों में तो 50% हो गया। तो बहुत फर्क आया है, लेकिन अभी रास्ता, मतलब अभी गिलास आधा ही भरा है, आधा गिलास खाली है। कुछ एग्जांपल देखिए, हमारे संसद में आज तक कभी भी 10% से ज्यादा महिलाएं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस में 1-3% से ज्यादा औरतें कभी नहीं रहीं। इसी तरह वाइस चांसलर्स, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में केजी प्राइमरी स्कूल तक औरतें खूब होती, और उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊपर जाता है औरतों की संख्या नीचे चलती जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन में औरतें बहुत कम है। अगर आप पाठ्यक्रम में देखिए कि कितनी किताबें महिलाओं की लिखी हैं, कितनी पुरुषों की लिखी हैं, आपको पता लग जाएगा। पाठ्यक्रम में आप देखिए कि कितने पाठ, कितने चीजें महिलाओं के बारे में है। इतिहास में महिला कितनी बार नजर आती है, कब कब उसकी बात होती है, नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें, कभी कभी लगता है बलात्कार बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा कम नहीं हो रही। और जो मेरी नजर में सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है वो ये है कि 1947 के बाद हमारे देश में महिलाओं की तादाद, रेशियो,
कम होता चला गया है। 1951 वाली जनगणना में 1000 पुरुषों पर 972 औरतें थी, आज 930 बची हैं, 930-35। 1000 पर 40 औरतें हमने पिछले 70 साल में मारी है, खत्म की है, उनको जीने नहीं दिया। 1000 पे 40 तो लगा लीजिए ना, 125 करोड़ पे कितनी। आज आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि 50 से 60 मिलियन 5 से 6 करोड़ औरतें इस देश ने या तो पैदा नहीं होने दी या उनको जीने नहीं दिया। दुनिया में कोई ऐसा और देश नहीं है जिसने ये किया हो। और ये कौन सा देश है जहां कहते हैं कि देवियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु रमन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां हम कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं। और सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कौन से धर्म हैं जिनमें ज्यादा भ्रूण हत्या होती है। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं कहूं कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है जैनियों में, सिखों में, उसके बाद हिंदू, और सबसे कम होती है ईसाइयों में और मुसलमानों में। जैनियों में आप हैरान होंगे ना, मुंह पे पट्टी लगा के जाते हैं कि कीड़ा ना मर जाए। कीड़ा नहीं मरना चाहिए, बेटी मरनी चाहिए, बेकार की चीज है, किसी काम की नहीं है, दहेज देना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि 55 मिलियन औरतें लड़कियां, यानी 55 मिलियन परिवारों में हमारे हाथ खून से रंगे हैं। हिटलर ने 6 मिलियन जूज मारे थे, हमने 55 मिलियन, उसने तो जूज मारे थे जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था, दुश्मन थे, हम तो अपनी जाई मारते हैं, अपनी जाई। 6-8 हफ्ते देखते हैं लड़का है तो रख लेते हैं। मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि परिवार अपनी बेटियों को मार मार के उसके बाद दिवाली कैसे मनाते हैं, और उसके बाद त्योहार कैसे मनाते हैं, और उसके बाद परिवार कैसे चलाते हैं। तो आज भी आंकड़े सामने हैं हमारे कि बेटियों को कम भोजन मिलता है, क्वालिटी में इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता। आज भी दिल्ली में मुझे पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि देखिए हमारे स्कूल में लड़के ज्यादा आते हैं क्योंकि महंगा स्कूल है। आज भी अस्पतालों में आप देख लीजिए कि लड़कों को बीमार होते ही अच्छे अस्पताल में ले जाया जाता है, महंगे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। आज भी बहुत सारे संपत्तिवान परिवार अपनी बेटियों को संपत्ति नहीं देते। तो दोस्तों ये जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। अब सवाल जो हमने किया यहां कि कक्षा में हम जेंडर की बात को कैसे लाएं, क्या इसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि समस्या जेंडर नहीं है, जेंडर उत्पत्ति है एक असली समस्या की। उस समस्या का नाम ले लूं, वो समस्या है पितृसत्ता। पितृसत्ता समस्या है। क्या है पितृसत्ता? ये एक समाज व्यवस्था है जो ये मानती है कि पुरुष उत्तम है। जैसे जाति व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण उत्तम है, शूद्र नीचे है, और वो पैदा ही ऊंची सो कॉल्ड ऊंची जातियों की सेवा करने के लिए हुआ है। ठीक इसी तरह पितृसत्ता में हम मानते हैं कि पुरुष उत्तम है, और पितृसत्ता में पुरुषों के पास अधिक कंट्रोल होता है 3 चीजों पर: रिसोर्सेस, संसाधनों पर, डिसीशन मेकिंग पर,
और आइडियोलॉजी पर, हम क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये पुरुष तय करते हैं, धर्म पुरुष बनाते हैं, संविधान पुरुषों ने बनाया, 95% पुरुष थे, संसद पुरुष चलाते हैं, किताबें पुरुष लिखते, कोर्ट्स में फैसले पुरुष देते। तो तीन चीजों पर, रिसोर्सेज, डिसीशन मेकिंग और आइडियोलॉजी। तीसरी चीज जो मैं प्रतिसत्ता के बारे में कहना चाहती हूं कि ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में ज्यादा सख्त है, ज्यादा गला घोंटू है, मगर ये पूरी दुनिया में है, ये ग्लोबल सिस्टम है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पितृसत्ता को केवल पुरुष नहीं मानते, महिलाएं भी पुरुष सत्ता को मानती हैं, और पुरुष सत्ता ने बड़ी चालाकी से पुरुष सत्ता सिखाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी है। तो हम खुद हर घर में बच्चों को सिखाते हैं पितृसत्ता क्या है, लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है, लड़कों के लिए व्रत करते हैं, पुरुषों के लिए करवा चौथ करते हैं, बेटियों को सिखाते हैं कि माहवारी बड़ी गंदी चीज है, माहवारी में तू मंदिर नहीं जा सकती, और बेटी बेचारी पूछ नहीं पाती कि अम्मा माहवारी अगर इतनी गंदी चीज है तो अम्मा ऐसा करो, मुझे एक इंसान दिखा दो जो हमारी माहवारी के बिना पैदा हो गया, एक, वो पंडित जी हमारी माहवारी के बिना पैदा हुए, वो मौलवी जी, वो पादरी जी, एक इंसान ले आओ ना जो हमारी अपवित्र माहवारी के बिना पैदा हो गया। अगर हमारी माहवारी गंदी है तो दुनिया में हर इंसान गंदा है, हर जानवर गंदा है जो जानवरों के अंदर से निकलता है, फीमेल जानवरों के अंदर से। ये हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, और एमएससी करने के बाद भी यही करते हैं, एमएससी कर ली डिग्री के लिए, वही तो मैं कह रही हूं शिक्षा वालों से, डिग्री के लिए एमएससी कर ली, लेकिन बीवी बैठी हुई है महावारी में, तो बाहर के लिए शिक्षा, घर के लिए वही मनु जी, मिस्टर मनु। तो दोस्तों, समस्या पितृसत्ता है, और ये पितृसत्तात्मक असमानता सारी दूसरी असमानताओं की जड़ है। इस असमानता से जुड़ी है कास्ट, क्लास, रेस, इसीलिए जातियों के हिसाब से विवाह होते हैं। जाति प्रथा नहीं चल सकती जब तक पितृसत्ता नहीं चले, जब तक पितृसत्ता नहीं होगी जाति व्यवस्था नहीं चलेगी, और जब तक जाति व्यवस्था होगी तब तक पितृसत्ता चलेगी। तो यानी हमें इन तमाम असमानताओं को खत्म करना पड़ेगा, तब वो मिटेंगी, क्योंकि वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहां मैं एक बात और बता दूं कि जैसा मैंने कहा, हम सबकी दो पहचाने हैं, एक तो शारीरिक बॉडी की सेक्स, एक सामाजिक जेंडर। इसी तरह हम सबकी और भी बहुत सारी पहचाने हैं। मैं कमला केवल औरत नहीं हूं, मैं सो कॉल्ड मध्यम जाति की औरत हूं, क्षत्रिय, मैं अमीर औरत हूं, मैं शिक्षित औरत हूं, मैं हिंदू औरत हूं देश में, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है जैसे आजकल मुसलमान दुबके हुए हैं। मैं हिंदू हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं औरत होते हुए भी बहुत ताकतवर हूं, क्योंकि हिंदू हूं, अमीर हूं, ऊंची जाति की हूं, इसलिए आप मर्द लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं, इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि मैं औरत हूं, इसलिए सुन रहे हैं कि मैं अपर क्लास, अपर कास्ट, एजुकेटेड औरत हूं। मैं, मेरी, मेरा शोषण औरत होते हुए वैसा नहीं होता जैसा दलित का हो रहा है। आज कोविड-19 में मैं सड़क पर नहीं चल रही 500 किलोमीटर,
आराम से बैठी हूं यहां पर, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, भाषण लगा रही हूं, बकवास कर रही हूं यहां पर। तो सब औरतों का बराबर रूप से शोषण नहीं होता जैसे मर्दों का। आप लोग भी घरों पर बैठे हैं, आपकी तनख्वाह आ जाएगी महीने के अंत में। वो जो करोड़ों चल रहे हैं उनके जैसे भूखे नहीं मरोगे। सेमिनार करने का टाइम है क्योंकि देश में बेटर लोग हैं, हम लोग खाते पीते लोग हैं। तो दोस्तों ये असमानता, दुख की बात यह है कि ये पितृसत्तात्मक असमानता सबसे ज्यादा परिवारों में है। कितने दुख की बात है कि परिवार हमारे इतनी बड़ी असमानता पर आधारित है। असमानता होगी इसका मतलब प्रजातंत्र भी नहीं होगा, डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, किसी का हुक्म चलेगा, कोई हुक्म मानेगा। तो हमारे परिवार गण हैं पितृसत्ता के, असमानता के, डिक्टेटरशिप के। हमारे, मेरे हिसाब से हमारे तमाम धर्म भी पितृसत्तात्मक है। सब धर्मों में हम कभी किसी भी औरत को उसका हेड बनने की इजाजत नहीं देते। कोई औरत दलाई लामा नहीं बन सकती, शंकराचार्य नहीं बन सकती, पोप नहीं बन सकती। यानी हमारे धर्म भी औरतों को पुरुषों के नीचे समझते हैं, तो धर्म भी वही सिखाते हैं। और धर्मों को क्वेश्चन करने में हमें डर लगता है तो हम धर्मों से झगड़ा ही नहीं लेते, पंगा ही नहीं लेते। जब तक हम धर्मों से पंगा नहीं लेंगे तब तक हिंदुस्तान में जाति समानता की बात भूल जाओ और स्त्री पुरुष समानता की बात भूल जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म तो इन दोनों असमानताओं का पर आधारित है। तो आज हमें तय करना होगा कि हमारे लिए कौन सा ग्रंथ बड़ा है, मेरा कुरान शरीफ, मेरी बाइबल, मेरी गीता, मेरा मनुस्मृति या मेरा संविधान। हर स्कूल में तय करना पड़ेगा, हर स्कूल में बताना पड़ेगा, हर कक्षा में बताना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए बड़ा है। अगर दोनों में कहीं झगड़ा नजर आता है तो मैं किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं। मेरा उत्तर साफ है, संविधान को पकड़ूंगी। 1950 में बना है, आज के कॉन्टेक्स्ट में बना है, सबने सोचकर बनाया है। दूसरे धर्म बने थे 4000 साल पहले, 2000 साल पहले, सिख धर्म बना 600 साल पहले। तो अंत में हम आते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कुछ कर सकते हैं जेंडर समानता लाने के लिए। कर सकते का सवाल ही नहीं है मेरे दिमाग में। अगर हम अपने सकते हैं तो हमें करना ही होगा। अब तक नहीं किया, माफी मांग लेते, अब करना ही होगा। और असमानता का आप हाल देख रहे हैं आज जो सड़कों पर है, असमानता का हाल आप घरों में देख रहे हैं। 55 मिलियन औरतें मार डाली, कितना और वेट करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरा हिंदुस्तान, दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा बेटी मार हिंदुस्तान हमारा, सबसे ज्यादा दलित मार हिंदुस्तान हमारा। आज पूरी दुनिया में ऐसी फोटोज नहीं आ रही जैसी हमारे यहां की आ रही है कि लाखों करोड़ हो गए होंगे लोग सड़कों पर हैं। पूरे दुनिया में कहीं कोई और देश नहीं है। तो कहां हम भारत माता के नारे लगाते हैं, सच्चाई तो देखिए। तो दोस्तों मैं ये मानती हूं कि हर असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो कहां से शुरू करेंगे। मैं तो समझती हूं कि शुरू तो खुद से करना पड़ेगा, अपने अंदर से। मैं भारत की नागरिक, मुझे देखना है कि मेरे अंदर फिर सत्ता है, अगर है तो मैं उस पर काम करूं।
मर्द हूं तो काम करूं, औरत हूं तो काम करूं, लड़की हूं तो काम करूं, लड़का हूं तो काम करूं, क्या काम करूं? क्या मैं अपनी बहन को बराबर समझाऊं अपने? क्या मैं अपनी पत्नी को बराबर की इज्जत देता हूं? क्या मैं घर के काम को अपना काम भी समझता हूं? क्या मैं दहेज लेके शादी करता हूं? लड़के के लिए दहेज लूंगा, लड़की के लिए दूंगा, फंसा रहूंगा। क्या मेरे परिवार वाले भी बेटियों की भ्रूण में हत्या करते हैं? क्या बेटी को बराबर के अधिकार देते हैं? तो अपने अंदर से शुरू करना पड़ेगा। बड़े बड़े काम तो कर दिए संविधान बनाने वालों ने, कर दिए, छोटे छोटे काम है, खुद को ही तो बदलना है। और इसके लिए आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आरोग्य सेतु की भी जरूरत नहीं है। बस तय करना है कि मैं समानता से जीऊंगी और मैं समानता से जीऊंगा। क्यों? क्योंकि समानता से खुशी मिलती है, समानता से मोहब्बत पैदा होती है। तो खुद से शुरू करें और परिवारों के अंदर चलें और परिवारों में देखें कहां कहां असमानता है। अवसर की समानता है क्या? अधिकारों की समानता है क्या? सम्मान की समानता है क्या? भाषा कैसी बोलते हैं हम? आज भी मेरी भाषा हिंदी में जिससे मेरी शादी होती है उसको पति कहते हैं। पति का मतलब मालिक, लखपति, लाख का मालिक। बांग्ला में हम कहते हैं स्वामी, शामी। उड़िया में भी स्वामी कहते हैं। इंग्लिश में हम हस्बैंड कहते हैं। ये वही शब्द है एनिमल हस्बेंड्री वाला। हस्बैंड का मतलब है कंट्रोलर, मैनेजर, डोमेस्टिकेटर। यानी शादी के रिश्ते में समानता वाला कोई शब्द ही नहीं, मालिक। और दिन में 50 दफा हम कहेंगे मेरे पति मतलब मेरा मालिक, मेरा मालिक। मैं ये मानती हूं कि पति शब्द, स्वामी शब्द मेरे संविधान के खिलाफ है। मेरा संविधान कहता है कि कमला का कोई मालिक नहीं हो सकता। कमला हिंदुस्तान की नागरिक है और इसके समान अधिकार है, इसका कोई मालिक नहीं हो सकता। आज तो दोस्तों आप तो टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भी कोई मालिक नहीं हो सकता। अगर माँ बाप बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो राज्य आके आपको सजा दे सकता है। अगर आप बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें तो आपको पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं भेज रहे। तो जब बच्चे पर ही आपका अधिकार नहीं है तो 20, 25, 30 साल की औरत को आपने दासी बना के रखा है। अगर ये पति है तो दूसरी तो दासी ही है ना, एक मालिक है तो दूसरा साथी नहीं हो सकता। तो एक नया शब्द ही ले आओ यार, जीवन साथी। कितना खूबसूरत शब्द है, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे जिएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। आगे चलिए, देखिए कि बेटी को दहेज देंगे या शिक्षा देंगे, बेटी को बराबर की संपत्ति देंगे कि नहीं देंगे। आगे चलिए कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार हैं जिसमें लड़के को ऊंचा और लड़की को नीचा बताया जाता। कृति जी की फोटो आ गई, मुझे कह रही है शायद कि अब चुप हो जाऊं। कृति 5 मिनट और दे सकती हो? 5 मिनट और नाइल फिनिश। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे त्योहार हैं जो ऊंच नीच पन पाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, उसको थोड़ा सा रिडिफाइन कर देना। मैं भी नौकरी करती हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मेरा भाई भी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। भाई छोटा है तो असल में उसकी रक्षा मैं करती हूं। तो रक्षाबंधन वाले दिन हम एक राखी की जगह 2 राखी क्यों नहीं ले आते? भाई मुझे राखी बांध दे, मैं भाई को राखी बांध दूं और मैं भाई को वादा करूं कि बे आखिर दम तक मैं तेरी रक्षा करूं। इतने साल से कर रही हूं, तुझे नहलाती हूं, धुलाती हूं, खाना देती हूं, बाद में भी करूंगी। इसी तरह
भैया दूज, ये नाम ही कितना बेहुदा है। बहन के बिना भैया दूज नहीं होता तो उसका नाम ही बहन भाई दूज कर दो ना। बहन भाई को टीका लगाए, भाई बहन को टीका लगाए। और अगर शादी में मोहब्बत है और करवा चौथ का बहुत शौक है तो दोनों रख लो ना यार, वो भूखी मर रही है और आप बियर पी रहे हो 5:30 बजे शाम को। इस प्रकार जितने भी धर्म के नाम पर बेटियों को नीचे दिखाने वाले हैं, महावारी के जितने टबूज हैं उसको खत्म करें। इसी प्रकार स्कूलों से पितृसत्ता को निकालना पड़ेगा और स्कूलों में जेंडर समानता तब आएगी जब सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग होगी। टीचर्स के दिमाग में नहीं सिर्फ दिल में भी समानता बसानी होगी और उनके व्यवहार में समानता दिखनी चाहिए। केवल पाठ्यक्रम में समानता देखने से नहीं होगा, उनके व्यवहार में। वो अपनी विमेन टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपके घर वहां पर यूनिफॉर्म्स कैसी हैं, लड़के लड़की की यूनिफॉर्म्स क्या फर्क है क्या फर्क नहीं है, लड़के लड़की के बैठने का इंतजाम क्या है, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स कैसे हैं, क्या वो बेचारियां पानी नहीं पीती क्योंकि आपके टॉयलेट्स गंदे हैं, टेक्स्ट बुक्स में क्या है और कौन से रोल मॉडल्स आपने लगा रखे हैं दीवारों पर। एक झांसी की रानी की बात करने से नहीं होगा। तो दोस्तों, किया जा सकता है, करने की जरूरत है अगर हमने आगे बढ़ना है। और मैं समझती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जैसी संस्थाएं आ जाई हैं तो ये जाति प्रथा, अमीर गरीब के भेद आपके मेन टारगेट्स होने चाहिए, इन भेद को खत्म करना। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि ये एक घंटे में जो मैं बता पाई वो ठीक है, मगर इस सब पर पुस्तकें हैं जो हम आपको मुहैया करा सकते हैं। और इंग्लिश में एक कोर्स है मेरा, डिजिटल कोर्स जो फ्री है, 5 घंटे का वो है। तो मतलब जितनी अपन अभी बात कर रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा। और ये तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, थोड़ी सख्त रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अजीम प्रेम जी वाले कम से कम उसका जो लिंक है वो कल तमाम टीचर्स को भिजवा दें। और जो सिंपल अंग्रेजी बुक मैं बोलती हूँ मुझे उससे ज्यादा आती नहीं है, सिंपल अंग्रेजी में आप लोग उसको देख लें। तो दोस्तों, लड़ेंगे जीतेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक बहुत सारी बातें हमारे जहन में आ गई हैं और सोचने के लिए बहुत मसाला। एक मिनट रति, मुझे अगर तुम मैम ना कहो और कमला दीदी या कमला जी कह लो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मैम मैम प्लीज आई डोंट लाइक इट, बेहद बेहुदा है। मतलब नाम तो लो मेरा कम से कम, हरेक को मैम कह दिया, हरेक को सर कह दिया, पीछा छोड़ा लिया, कमला जी चलेगा। ठीक है, तो मैं कमला जी कहती हूँ। और मुझे लगता है कि सोचने के लिए बहुत सारा मसाला है इस समय हमारे दिमाग में और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं। एक लड़की होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि अनुभवों की झड़ी लगी हुई है इस समय दिमाग में, कुछ कुछ चीजें आ रही हैं और हम लगातार सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने संविधान को स्टैंडर्ड मानते हुए वहां से हम अगर शुरू करें तो फिर हमारे लिए चीजों का निर्णय लेना आसान हो जाता है। अक्सर लोग समाज में ये तो पहले से चला आ रहा है, ये तो परंपरा है, ये तो धार्मिक है, इसमें फंसते हैं। तो हमें एक मानक तो लेना पड़ेगा और वो मानक के लिए मेरे ख्याल से संविधान से बेहतर किताब कोई नहीं हो सकती। और जहां तक बहुत बार लोग ये बात कहते हैं कि काफी कुछ हो रहा है नीतियों में, लेकिन वहां भी एक बड़ी मुझे तो बहुत उलझन होती है ऐसे वाक्य सुन के कि जब एक लड़की लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही समस्या वाली चीज है क्योंकि आज भी हम लड़की को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो दो परिवार पढ़ा दे। अगर वो कहते मुझे कोई परिवार नहीं पढ़ाना है तो हम उसे पढ़ाने की जरूरत ना समझें। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्योंकि बेटियां समाज को आगे बढ़ाएंगी,
तो आज भी वो एक हमारे लिए माध्यम है, एक साधन बन गई है कुछ और साधने के लिए। वो अपने आप में, क्योंकि उसने इंसान के रूप में जन्म लिया है, उसका पढ़ना जरूरी है, उसका आगे बढ़ना जरूरी है, उसका जीवन में वो सब कुछ करने का अधिकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान के रूप में जन्म लिया है। मुझे लगता है हमें इतना ही सिंपल लेवल पर सोचना चाहिए। और इस हमेशा लड़कियों को अभी भी अगर हम साधन ही बना देंगे तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो मैं शिक्षकों के बहुत सारे सवाल हैं मैम, अगर आपको ठीक लगे तो मैं एक एक करके करूं या चार पांच सवाल एक साथ रख दूं फिर आप एक एक करके जवाब देंगे, जैसा आप। तीन चार, चार, ठीक है मैम। तो एक सवाल, नाम मुझे चाहिए लोगों के। अच्छा मैम, दरअसल मैंने कई सारे लोगों ने एक जैसे सवाल पूछे हैं तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया है, तो ठीक है। तो एक जो सवाल कई बार आया है वो ये है कि क्या जेंडर महिलाओं का मुद्दा है, क्या इसके लिए प्रयास महिलाओं को करने चाहिए या ये कोई वाइडर मुद्दा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी आता है कि जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अक्सर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, ये जो शब्द अक्सर आता है कि सास बहू का, या जो आपने भी बात बीच में छेड़ी कि पितृसत्तात्मक जो ये सोच है इसको आगे बढ़ाने का ठेका महिलाओं को दे दिया गया है और वो अपना रोल बड़ी बखूबी निभा रही हैं आज। सो इस पर भी एक बातचीत है। दूसरा कि हम पालक या हम घर में क्या कर सकते हैं। अक्सर विद्यालय में जब टीचर्स जब पेरेंट्स भेजते हैं तो बच्चों को देर से भेजते हैं, लड़कियों को देर से भेजते हैं, या कोई घर में अचानक काम आ गया, मेहमान आ गया तो बीच में से ले जाते हैं। तो इस तरह के से हम कैसे बातचीत करें कि इस सब पे हम डील कर सकें, और घर में किस तरह का माहौल हम कर सकते हैं कि जेंडर पे हम ज्यादा बातचीत करें, और एक शिक्षक होने के नाते हम पालकों से कैसे बात करें। और चौथा सवाल इससे जुड़ा ये रहेगा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को की राय को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, चाहे स्कूल की कोई मीटिंग हो या और अगर किसी बड़े पद पर कोई महिला है तो अब जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करें। तो पहले हम ये चार सवाल ले लेते हैं। जी, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो जेंडर, जेंडर शब्द जैसा मैंने कहा, जेंडर का मतलब है समाज द्वारा दी गई लड़के लड़की औरत मर्द की परिभाषा। तो यानी जेंडर लड़कियों और लड़कों दोनों का बनाया जाता है, तो जेंडर का रिश्ता केवल लड़कियों से नहीं है। और दोस्तों, कुछ चीजों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, लड़कों पर ज्यादा कंट्रोल है। मैं थोड़ी देर के बाद अंदर जाके पतलून पहन के बुशर्ट पहन के बाहर आ सकती हूं। अब पुरुषोत्तम से कोई कहे कि थोड़ी देर में साड़ी पहन के आ जाए तो बैंड बज जाएगा पुरुषोत्तम का, तो इनकी तो वो लग जाएगी। पुरुष कोई पिंक कमीज पहन के आ जाए तो जैसे हम पर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, हमसे कहा जाता है लड़के रो नहीं सकते, लड़के अपनी कमजोरी का बयान नहीं कर सकते, तो जिस तरह औरतों की जेंडरिंग होती है हमें दबाने के लिए, लड़कों की जेंडरिंग होती है उन्हें मर्दाना बनाने के लिए। तू रोएगा नहीं, तू कमजोरी की बात नहीं करेगा, तू 16 साल का हो गया, तूने अभी तक लड़की नहीं छेड़ी, सिगरेट नहीं पी, बियर भी नहीं पी तूने आज तक। ये सारी मर्दों की जेंडरिंग है। तो जेंडर का रिश्ता औरत से और मर्द से दोनों का है, लड़की और लड़के दोनों का है। दोनों को डिब्बों में घुसाया जाता है और कई बार लड़कों के लिए यह डिब्बा ज्यादा टाइट होता है, लेकिन चूंकि लड़कों को अधिकार दिए जाते हैं वो अपने उस टाइटनेस को महसूस ही नहीं करते। मैं तो पिछले 20 साल से ये कह रही हूं कि लड़कियां पिछले 150-200 सालों से बदलने की कोशिश कर रही हैं, लड़कों ने आज भी समझने की कोशिश नहीं की कि पितृसत्ता किस तरह उन पर हावी है। उनकी भाषा देख लो, मां बहन की गालियां देते फिरते हैं, टीचर क्लास के बाहर निकलते हैं मां बहन की गाली देते हैं, ना तो भाषा पर इनका कंट्रोल है,
एक लड़की जा रही है, उसको छेड़ रहे हैं। भाई हमारा तो कभी दिल नहीं किया किसी चलते हुए लड़के को छेड़ने का, उसको नोचने का। ये क्या इंसानियत है किसी का बलात्कार करने का, 6 महीने की बच्ची का बलात्कार करने का। आप सोचिए, ये जो आजकल 15-15, 16-16 साल के लड़के कर रहे हैं, जो दिल्ली के ऊंचे स्कूलों के लड़के, जो पिछले हफ्ते वो लॉकर रूम वाली चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों मैं ये मानती हूं कि कोई भी लड़का बलात्कारी पैदा नहीं होता, समाज उसको बलात्कारी बनाता है, समाज उसको छेड़खानी करना सिखाता है, समाज उसको शराबी बनाता है। अब कोरोना में शराब की दुकानें खुली तो हंगामा हो गया। ये जेंडरिंग ही है कि मर्द बच्चों के लिए खाना लेने दुकानों पर नहीं टूटे, शराब लेने पहुंच गए, टूट गए वहां पर। आज पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि कोरोना के टाइम पे महिला हिंसा बढ़ गई है, घरेलू हिंसा बढ़ गई है। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि पितृसत्ता ने मर्दों का कितना बुरा हाल किया है। तो दोस्तों मैं तो ये मानती हूं कि आजकल जेंडर पुरुषों की ज्यादा समस्या है, बलात्कार पुरुष करते हैं, घरेलू हिंसा पुरुष करते हैं, छेड़खानी सड़कों पर पुरुष करते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदर बंद किया जाता है। तो एक्चुअली ये दोनों की चीज है, लेकिन चूंकि हम 100-150 साल से काम कर रहे हैं इस पर, अब पुरुषों को करना है। जो दूसरा सवाल है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये बात हमेशा कही जाती है और हम देखते भी हैं कि जैसे सास बहू के झगड़े को हम बहुत बार बार बताते हैं, ननद भाभी का भी इसी प्रकार का झगड़ा होता है। ननद जो है भाभी के साथ गलत व्यवहार करती है, लेकिन थोड़ा सा ना इसकी गहराई में जाइए। अब सास बहू के झगड़े की आप बात कर रहे हैं, पर सास तो दो होती है ना, एक तो जिसकी बहू होती है और एक जिसका जवाई होता है। कौन सी सास चुड़ैल होती है? बेटे की मां। बेटी की मां चुड़ैल नहीं होती, वो तो जवाई जी के पैर धो धो के पीती है। तो समस्या सास वाली नहीं है, समस्या है बेटे की मां। तो पितृसत्ता में वो बहू बेचारी जो पूरी उम्र पिटी है, बेटे की शादी करने के बाद पहली बार, जैसे कोई बेचारे छोटे टीचर को हेडमास्टर बना दो और वो बहक जाए, वही होता है इन औरतों के साथ। पूरी उम्र मार खाई सास की, तो बोली अब तो मैं मार लूं, कितने शर्म की बात है। तो दोस्तों महिला महिला की दुश्मन कहने को अच्छा लगता है, मगर कितनी महिलाओं ने दूसरी महिलाओं के बलात्कार किए, कितनी महिलाएं दूसरी महिलाओं को सड़कों पर छेड़ती हैं। 40% घरेलू हिंसा होती है, उसमें से महिलाएं कितनी करती हैं और पुरुष कितना करते हैं। तो ये बिल्कुल कहने की बात है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों के पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है और औरतें और मर्द दोनों मानते हैं। तो अगर औरत भी मानती है कि पुरुष उत्तम है, तो वो अपनी बेटी को नीचा समझती है। उसका धर्म भी उसको यही सिखाता है, उसके परिवार ने यही सिखाया, तो वो स्वयं बेटी को कमतर मानती है। और वो ये भी जानती है कि अगर 3 बेटियां हो गई तो मियां दूसरी ले आएगा या उसकी सास उसको खाना देना बंद कर देगी। हालांकि आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई डिसाइड करता है बच्चे की सेक्स, तो वो मर्द करता है, वाई क्रोमोसोम का मालिक जो कि मर्द है। तो दोस्तों ये जो जेंडर समानता की लड़ाई है ना, ये स्त्री पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है, प्लीज समझ लीजिए। स्त्री पुरुष के बीच की अगर लड़ाई होती तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों महिला
समानता की बात की होती, पेरियार ने दक्षिण में क्यों की होती, फूले दंपत्ति ने क्यों बात की होती, गांधी ने क्यों समानता की बात की होती, प्रॉफेट मोहम्मद ने क्यों की होती, उन सब ने एकता की बात की, समानता की बात की। यह लड़ाई दो मानसिकताओं के बीच में है। एक मानसिकता कहती है पेट्रियार्की बेटर है, दूसरी कहती है नहीं समानता बेटर है। एक तरफ समानता वाले हैं, एक तरफ पेट्रियार्की वाले हैं। आपको तय करना है कौन सी साइड पे हो। और दोनों साइड पर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। औरतें भी हैं जो औरतों को दबाती हैं, और मर्द भी हैं जो औरतों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बराबर चलना चाहते हैं। आपका चौथा सवाल मैं पहले ले रही हूं कि महिलाओं की राय पर तवज्जो नहीं दी जाती। आजकल इसका एक लंबा सारा इंग्लिश का वर्ड है, मैंस प्लेनिंग, लंबा है, मेरे भी अभी तक स्पेलिंग करना नहीं आया। मैंस प्लेनिंग, औरत कुछ बात कहती है लेकिन मर्द उसको बीच में टोक देता है, मैं बताता हूं, मुझे उनको हमेशा बेटर पता होता है। तो वैसे जैसे आपके घर में आपका जो नौकर है वो आपसे बात कर रहा है, तो आप थोड़ी बोलने देते हो उसको, और आप तो पति हो, परमेश्वर हो, और घर में आप वही सीख के आए हो। तो आप ये मत समझना कि पूरी उम्र आपने घर में पति 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 सुना है तो स्कूल में आके आप सडनली अपनी टीचर्स के साथ बराबरी करने लग जाओ। अरे बराबरी पूरी उम्र नहीं की तुमने, आज क्या करोगे बराबरी? पूरी उम्र तुमने औरत को नीचे देखा है। तो ये एक दिन में कमला वजीन के भाषण के बाद कल आप सब बढ़िया मानने लग जाओगे, आपके मुंह से गालियां बंद हो जाएंगी मां बहन की। प्रैक्टिस लगेगी, जैसे इस बुढ़िया ने प्रैक्टिस की है, 50 साल हो गए, आज भी पितृसत्तात्मक बातें निकलती हैं मुंह से, आज भी 50 साल के बाद। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता 4000 साल पुरानी है और मेरे रग रग में बसी थी, मेरे धर्म में बसी है। मेरी मां का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया मुझे इस पितृसत्ता ने, मैंने तो किया मगर उन्होंने कोशिश की रोकने की। तो ये नॉर्मल है औरत की राय पर तवज्जो ना देना, और लानत है उन पर जो ये तवज्जो नहीं देते। चौथा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि अगर लड़कियों के मां बाप उनके साथ पितृसत्तात्मक व्यवहार कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए के लिए मेरे पास एक ही जवाब है, बातचीत करनी चाहिए। मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। मतलब हम नारीवादी कभी आज तक नहीं कहा कि बंदूक लेके चले जाओ, बाप और मां को गोली मार दो या बच्ची को स्कूल से बाहर निकाल दो। मेरे पिताजी अगर मुझे कहते हैं कि तू क्यों पढ़ेगी, केवल एक उपाय है, ऑनेस्ट डायलॉग, बातचीत, एक दूसरे को समझना। अगर मेरी मां कहती है कि तुम शाम को 6 बजे घर आ जाओ तो लड़ने से क्या होगा? मैं समझूं कि वो बेचारी डरती हैं, तो मैं उनको समझाऊं कि मां मैं बहुत प्रोटेक्ट करके जाती हूं अपने आप को, और उनको दिखाऊं कि कैसे मैं अपने शरीर को स्मार्ट बनाती हूं, कैसे मैं खड़ी होती हूं, कैसे मैं बातचीत करती हूं, कि मुझे देख के मेरी मां को लगे कि हाँ इसको कुछ नहीं होगा। मगर अगर मैं सज सजा के और लिपस्टिक विपस्टिक लगा के छुई मुई बन के जा रही हूं, तो मुंह से मैं जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लूं मेरी मां को पता लग जाएगा ये किसी से बचने लायक तो है नहीं, इतनी तो इसने हील पहन रखी है कम वक्त में, ना तो भाग पाएगी ना ये चल पाएगी, नखरे करती फिरेगी, ही करती फिरेगी। तो पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में आप बात करिए, इस पर समझाइए कि हमारा स्कूल
इस तरह के मूल्यों में विश्वास रखता है और बताने से ज्यादा आपके व्यवहार में उनको दिखना चाहिए। आपके स्कूल में आपका मेल प्रिंसिपल मैंसप्लेनिंग कर रहा है, औरत टीचर को बोलने नहीं दे रहा और माँ बाप को भाषण दे रहा है जेंडर इक्वालिटी पर, तो नहीं होगा ना। तो हर जगह बातचीत बातचीत एंड मोर बातचीत, उसके अलावा कोई मेरे पास पुड़िया नहीं है कि मुंह में डाली ऊपर से पानी पिलाया कि आप कल से बिल्कुल समानता हो जाएगी। मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम जी कुछ सवालों को रखना चाहते हैं, तो पुरुषोत्तम जी आप पूछ सकते इनके अपने इनके अपने नहीं, सवाल हैं या लोगों के? नहीं, इन्होंने लोगों के ही सवाल रखे हैं। अच्छा ठीक जी। कमला जी, हाँ कमला जी कुछ जी कुछ सवाल हैं। पूजा गुप्ता एक हैं, उन्होंने सवाल किया है टेक्स्ट बुक में महिलाओं की भूमिका को ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं दिखाया जाता। उसी तरह से अर्चना झा का सवाल है ऑल डिबेट्स कम्स टू द पॉइंट टू ऑफ ताकत स्ट्रेंथ, व्हाई इमोशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ। उसी तरह असीमा गुप्ता का कहना है कि बराबरी बोलने से नहीं आएगी, इसके लिए क्या करें कि इस पर कार्य किया जा सके। और एक सवाल है मेघना अहिरवार का कि वंश चलाना है तो बेटा ही हो, यह सोच कैसे बदलेगा। तो पूजा गुप्ता जी, अब मुझे अपना मालूम है कि टेक्स्ट बुक्स पर हम लोगों ने 1983 में एक कमेटी बनाई थी दिल्ली में और सुझाव दिए थे अपने सरकारों को कि तमाम टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से देखा जाए जेंडर के नजरिए से और उनमें परिवर्तन लाया जाए। और मुझे लगता है कि काफी कुछ एनसीईआरटी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है और इसको बदलने की कोशिश की है, मगर ये मैं मानती हूं कि अगर पूजा गुप्ता जी आपकी क्लास में कोई टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको लगता है कि ये समानता विरोधी है, तो आप अपने लेवल पर बच्चों को बता सकती हैं, स्टूडेंट्स को बता सकती हैं। टेक्स्ट बुक्स में समानता लाना, महिलाओं के रोल मॉडल्स दिखाना बहुत आवश्यक है, इतिहास को दोबारा से महिलाओं की नजर से भी लिखना, अब जैसे तो ये बहुत बहुत जरूरी है और मैं ये मानती हूं कि बहुत इस पर काम हुआ है और भी काम करने की जरूरत है। अर्चना जी, पितृसत्ता में इमोशंस को कमजोरी माना जाता है, रैशनैलिटी को सुपीरियर माना जाता है, रैशनैलिटी को। तो मर्दों को कहते हैं मर्द रैशनल होते हैं, औरतें इमोशनल होती हैं, इसीलिए मर्द सुपीरियर होते हैं। तो ये तो पिछले 4000 साल से, और ये पाश्चात्य में भी यही है, हमारे यहां भी यही है कि औरतें तो सोच नहीं सकती। इस पर भी अब बहुत सोच बदल रही है। आपने जरूर सुना होगा कि आजकल IQ इंटेलिजेंस कोशंट के साथ साथ EQ की भी बात हो रही है, इमोशनल कोशंट। आज ये माना जा रहा है कि औरतें चूंकि ज्यादा इमोशनल होती हैं, वो बेटर लीडरशिप देती हैं। COVID-19 के जमाने में न जाने कितने आर्टिकल आ गए 6 देशों की महिला प्रधानमंत्रियों के बारे में कि उन्होंने जो कुछ किया वो मिस्टर ट्रंप और मिस्टर दूसरों से मच मच बेटर है। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इमोशंस और रैशनैलिटी दोनों जरूरी हैं। शारीरिक शक्ति और इमोशनल शक्ति दोनों जरूरी हैं, और मर्द बिचारों के साथ तो समस्या यह है कि उन्हें अपनी इमोशंस को समझने का मौका नहीं देती पितृसत्ता। जब मर्द को कहा जाता है कि तू रोएगा नहीं, तो वो
हत्या कर देता है अपनी फीलिंग्स की। तो फिर जब उनकी बेटी रोती है या बहन रोती है या बीवी रोती है तो झल्ला के कहते हैं पर तुम रोया मत करो, देखो मतलब ना तो तुम रोओगे ना किसी को रोने दोगे, मतलब पत्थर दिल तुम हो गए, दूसरों को भी पत्थर दिल बना दो। और दोस्तों आप देखेंगे कि जितने भी महात्मा हुए, महान आत्माएं, वो कितने संवेदनशील थे, कितने मोहब्बत से लबरेज थे, उनकी शक्ल देखते ही वहां ममता टपकती है, वहां 56 इंच की छाती नहीं दिखती महात्मा गांधी के चेहरे पर, बुद्ध के चेहरे पर हिटलर की बदबू नहीं दिखती, बुद्ध के चेहरे पर ममता करुणा दिखती है, उनके शब्दों में भी उनके चेहरे पर भी। तो मैं समझती हूं कि इमोशन अर्चना जी बहुत ही जरूरी है और बराबरी के लिए क्या करें, मैंने अपने बातचीत के दौरान बता दिया, ये तो जासूस बन जाए हम सारे पितृसत्ता के खिलाफ जासूस, कहां 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 छुपी है, स्कूल में कहां छुपी है, ठक करके मारो। आज हम जासूस बने और देखें कि ये वायरस पितृसत्ता का वायरस कहां कहां छुपा हो सकता है। और एक तो समानता का साबुन ले लो और मानव अधिकारों का वो आजकल दूसरी चीज क्या लगा रहे हैं हाथों पे, सैनिटाइजर, मानव अधिकारों का सैनिटाइजर ले लो और समानता का साबुन, और जहां पितृसत्ता का वायरस नजर आए लगा दो, जिस जिस चीज में नजर आए, स्कूल में लगाओ समानता का साबुन और सैनिटाइजर। और पहले तो आप अपने अंदर लाइए कि आप कैसे लड़कियों से बात करती हैं, लड़कों से बात करती हैं। और एक बात और है दोस्तों, कई बार परिवार के अंदर परिवर्तन लाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो परिवार में अगर आप नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, मर्द बदल सकते हैं, औरतें नहीं बदल सकती, तो ठीक है आप परिवार को छोड़ दो अभी कुछ टाइम के लिए, स्कूल में कर दो, क्योंकि मैं मानती हूं कि कई बार परिवार इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू चेंज। तो परिवार में अगर आपका जीवन साथी है तो उस पर सैनिटाइजर और साबुन लगाना शुरू करो, उसको साथी बना लो, सास के साथ दोस्ती करने की कोशिश करो, ननद के साथ बैठ के बातें करने की कोशिश करो, मगर अगर चारों कमबख्त बेकार हैं तो कोई बात नहीं, स्कूल में ही बदलाव ले आओ, परिवार में बाद में देख लेंगे। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा ही क्यों परिवार को चलाएगा। देखिए पितृसत्ता में सबसे बड़ी सोच यही है कि संपत्ति पिता से बेटे पर जाती है, परिवार का नाम पिता से बेटे पर जाता है। अब हमें तो 70 साल हुए डेमोक्रेसी बने, अमेरिका में तो 250 साल हो गए। आपने वहां नाम सुने, बुश सीनियर, बुश जूनियर, कैनेडी सीनियर, कैनेडी जूनियर। आज 250 साल बाद भी बेटे ही कैनेडी नाम लेते हैं, 250 साल बाद भी क्लिंटन की बीवी ने क्लिंटन का नाम ले रखा है, हिलरी क्लिंटन, ओबामा जी की बीवी, तो ये पितृसत्तात्मक सोच है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हमने करना है वो है बेटियों को संपत्ति देने का। इसके लिए मेरे दो स्लोगन्स हैं, आप सुन लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो बहुत ही गुड है कि बेटी दिल में बेटी विल में, WILL, बेटी दिल में बेटी विल में। और दूसरा है न दहेज न महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी।
तो बहुत जरूरी एक तो ये काम है, और दूसरा काम समानता लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, कि माँ का ही क्यों लेते नाम, घर का काम है सबका काम। जब तक हम घर के काम को सबका काम नहीं मानेंगे, तब तक औरत मर्द में समानता नहीं आ सकती। जब तक बेटे को भी बेटी जैसे खाना बनाना नहीं सिखाएंगे, वृद्धों की सेवा करना नहीं सिखाएंगे, छोटे भाई बहन को संभालना नहीं सिखाएंगे। दोस्तों, ये जो औरतों में कई बार आपको ममता दिखती है ना, ये ममता का कोई हमारा कोई अंग नहीं है, ममता का कोई ग्लैंड नहीं है ममता का, ये ममता 4000 साल से बच्चे पालने से आई है। जिस दिन पिता भी बच्चे पालेंगे, उस दिन के बाद उनसे बंदूक नहीं उठाई जाएगी। जिस दिन वो बच्चे संभालेंगे, वो समझ जाएंगे कि इंसान बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। उनके दिल से हिंसा निकलेगी जब उन गोदी में बच्चे आएंगे, जब वो किसी बच्चे को आधे घंटे तक दूध पिलाएंगे और उसके बाद वो बच्चा उल्टी कर देगा, तब उनको पता लगेगा कि उनकी माँ ने उनको कैसे बनाया था, और हर माँ कैसे बनाती है और हर लड़का कैसे बनता है। और जरा सी बंदूक मार के आप उसको खत्म कर देते हैं। आज सड़कों पर ट्रकों के नीचे उनको कुचल रहे हैं, जिनकी माओ ने सालों लगाए उनको बनाने के लिए। माँ बन जाइए, हिंसा मिट जाएगी। और माँ बनने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। महात्मा गांधी माँ भी थे, पिता भी थे। मदर टेरेसा ने अपने शरीर से कोई बच्चा पैदा नहीं किया, मगर करोड़ों की मां बनी। तो मां बनने के लिए बच्चेदानी की जरूरत नहीं है, मां बनने के लिए दिल की जरूरत है, जो पुरुषों के पास है, काम में नहीं लेते। टाइम हो गया, अब हम एक सेट ऑफ सवाल और ले सकते हैं छोटे में, अगर आपको ठीक लगे। फंसी हूं तो बोलूंगी तो अच्छा, तो मैम एक संविधान को, क्योंकि हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो एक सेट ऑफ सवाल संविधान पे भी आ रहे हैं कि हम संविधान पर बातचीत कैसे करें, क्लास में कब शुरू करें, कैसे कर सकते हैं, और साथ ही समता और समानता का जो फर्क है इसको भी समझने के लिए है। और एक जो इन सब बातचीतों में अक्सर जब हम बातचीत करते हैं कई मंचों पर नारीवादी बातों के बारे में, तो आता है कि बहुत सारे पुरुष कहते हैं हम नहीं करते हैं, हम तो असमानता नहीं करते, हमने तो भ्रूण हत्या नहीं की, हम तो बेटी को कम खाना नहीं देते हैं। और ये जो हम जिसे इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन की बात करते हैं, जो व्यवस्था कर रही है और जो व्यक्ति कर रहा है, तो व्यक्तिगत ऑपरेशन और व्यवस्था की जो ऑपरेशन है, इस पर अगर थोड़ा सा बातचीत हो। और साथ ही ये भी कि विद्यालय में बहुत सारी बार व्यवस्था ही लड़कियों को अलग करती है, अगर हम महावारी की बात करेंगे तो फिर छुप छुप के होगी, लड़कों से वो बातचीत नहीं की जाएगी, और छोटी छोटी चीजों में साथ बैठने को लेकर हर जगह झलकता है कि हम फर्क कर रहे हैं। तो बातचीत अगर हमें जेंडर को लेकर भी करनी है तो वहाँ कब बातचीत शुरू की जाए, एक तो है कि हम अपने व्यवहार में लेकर आए कि हम अपने व्यवहार में ही भेदभाव ना करें, लेकिन विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक बाकी शिक्षकों के साथ कब बातचीत शुरू करे, अपने बच्चों के साथ कब बातचीत शुरू करें, इन मुद्दों पर अगर इस पर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें। देखिए, मैं बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट समझती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि संविधान के मूल्यों के बारे में तो आप जिस दिन वो पैदा होते हैं उसी दिन से बात शुरू कर सकते हो, और हम शुरू करते हैं उसी दिन से, बच्चों के पैदा होते ही शुरू करते हैं। हम तो भ्रूण में शुरू करते हैं असमानता की बात। अगर असमानता की बात भ्रूण में शुरू कर सकते हैं, तो समानता की बात भ्रूण में क्यों नहीं शुरू कर सकते। असमानता की बात हम दूध पिलाने में करते हैं, तो समानता की बात भी तो दूध पिलाने में कर सकते हैं, खाना देने में कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में कर सकते हैं। तो संविधान के मूल्यों को तो प्रेगनेंसी में शुरू कर दो ना, समानता, बराबर अधिकार, क्योंकि असमानता और वो तो हम शुरू कर ही देते हैं।
और फिर आप देखिए ना स्कूल में जो लोग आपके यहाँ सफाई करते हैं उनके साथ आपके क्या व्यवहार है, स्कूल में दलितों के बच्चों के साथ आपका क्या व्यवहार है, स्कूल में अगर ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, एक लड़का जो लड़की के जैसे रहना पसंद करता है, लड़कियों जैसे हाव भाव हैं, तो उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो मैं तो ये मानती हूं कि स्कूलों में संविधान की बात आप डिपेंड करता है कैसे करें, भाषणबाजी से करें या एग्जाम्पल बाजी से करें। और जो आपने आखिरी सवाल वो पूछा कि महामारी वगैरह पर बातचीत, मतलब मैं तो समझती हूँ कि जल्द से जल्द आप शुरू कर सकते हैं। अगर बच्ची 4 साल की है, 4 साल का है, माँ को महामारी हो रही है, तो वो क्यों छुपाए अपने सैनिटरी पैड्स? लड़के को क्यों नहीं कह सकती कि बेटा सैनिटरी पैड पकड़ा दे? अगर बेटा रोटी पकड़ा सकता है, अगर बेटा कुछ और पकड़ा सकता है, तो उसको बता सकती है। वो बेवकूफ नहीं होते और वो जानते भी हैं, सब जानते हैं ये पट्टे, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के। आजकल देखो क्या क्या समझा दें आपको। आप कहते हो कि हाय इनसे सेक्स तक आप बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है, वो आपको समझा दें। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे और 9, 10, 12 साल के बच्चों के मोबाइल फोनों में पोर्नोग्राफी है और पोर्नोग्राफी देख रहे हैं वो, और आप पूछ रहे हो कब शुरू करें? अरे उन्होंने तो 4 साल पहले शुरू कर दिया मिस्टर। तो मैं तो समझती हूं कि सेक्स एजुकेशन एक जिंदगी की एजुकेशन है, वो उसी से बन के आए हैं बाहर। अगर आप इसको गंदा समझते हैं, अगर आप गंदा समझते हैं, तो बाय गॉड आपने ऐसी गंदी चीजें करी हैं अपनी उम्र में, आपने बच्चे पैदा करे, ऐसे गंदे लोग आप मां बाप बन गए, क्या किया था बोलो उस रात को? मतलब आप अपने आप को गंदा समझते हो, अपने माँ बाप को गंदा समझते हो यार, तो फिर टीचर तो मत बनना, और कुछ भी बन जाना, थानेदार बन जाना, टीचर मत बनना यार। तो मैं समझती हूं कि सेक्स एजुकेशन, बॉडी एजुकेशन तो बच्चे के पैदा होते ही शुरू होनी चाहिए, कि लिंग को क्या कह रहे हैं, योनि को क्या कह रहे हैं, छिछी छिछी कर रहे हैं उसको, लड़के को तो गली में खड़ा कर दिया पेशाब करने के लिए, बेटी को अंदर ले जा रहे हैं, ये वहीं से तो शुरू होता है। मतलब हम लोग जो खुद को गंदा समझते हैं, हमने सेक्स की, बच्चा पैदा किया, हम गंदे पापी। अरे यार कम से कम हमारे धर्म ने तो ऐसी बातें नहीं की, ईसाई धर्म में ये है तो वो अलग बात है, हमारा धर्म तो इस पर ठीक है, कम से कम हिंदू धर्म वाले कुछ तो अच्छा कर लो, जाति वाति तो लेके हम घूम रहे हैं। दूसरे आपने जो तीसरा सवाल था कि कोई भाई लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं करते ऐसा, अगर वो कहते हैं हम तो नहीं करते तो हम उनको मुबारकबाद दें, उनका स्वागत करें कि हाँ बहुत अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन आप आंकड़े देखिए कि कितने बलात्कार होते हैं, तो कोई तो करता होगा भैया। और ये सही बात है कृति, अगर सब मर्द अपनी बीवियों को मारते तो बात अलग थी, आज केवल 40% मारते हैं, यानी 60% नहीं मारते, और हमें इसको मानना है और नहीं मारने वालों को मुबारकबाद देनी है, उनको एक्सेप्ट करना है। मगर अगर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं नहीं मारता ये नहीं होता, तो भैया जी सरकारी आंकड़े देख लो, ये नारीवादियों को भाड़ में डालो, सरकारी आंकड़े देख लो, और ये बलात्कार कौन कर रहा, भूत कर रहे हैं, पाकिस्तानी आके बलात्कार कर रहे हैं आपकी बेटियों के, कौन कर रहा है? और ये 55 मिलियन औरतें मारी किसने? पड़ोसी देशों ने मारी, कोरोना वायरस ने मारी नहीं, पेट्रियार्की वाले वायरस ने मारी, धार्मिक वायरस ने मारी, जो कहते हैं कि बेटे ही घर चलाएंगे। अब समता और समानता, देखिए टाइम नहीं है और ये बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। बहुत मैं तो कहती हूं कि दोनों एक ही चीज है, समानता दीजिए
समता का मतलब ये होता है कि कई बार किसी को अधिक चीज की आवश्यकता होती है। मेरा हीमोग्लोबिन 7 है, मेरे भाई का 13 है, तो मुझे समानता देने से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरे भाई से 2 केले ज्यादा देने पड़ेंगे, तब मेरा 7 से 8, 9, 10 आएगा। तो समता का मतलब, अगर उसको जरूरत है बेटर फूड की तो समता, एक्विटी। अगर मैं औरत हूं और मुझे मेंस्ट्रुएशन होता है तो स्कूल ध्यान दे कि कमला को मेंस्ट्रुएशन के 2 दिन में तकलीफ होती है तो कमला को सुविधाएं दे, अगर कमला प्रेग्नेंट होती है तो सुविधाएं दे। ये समता मूलक उपाय हैं, एक्विटी मेजर्स। अगर पिछले इतने हजार सालों से औरतें पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं है तो उनको रिजर्वेशन दें, ये समता मूलक स्टेप है। समानता कह के कि नहीं नहीं तुम बराबरी चाहती हो तो लड़ो फिर आके हमसे बराबर का, वो है समानता, इक्वल ट्रीटमेंट। तो दलितों को आपने रिजर्वेशन दिया, क्यों? क्योंकि 4000 साल तक आपने उनको पीछे धकेला था, तो अब आप जिम्मेदारी लीजिए कि वो क्यों पिछड़े हैं, क्योंकि आपने धक्का दिया है उनको नीचे, उठने नहीं दिया। तो जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो हम ये कहते हैं, हां हम एक्सेप्ट करते हैं कि समाज ने तुम्हें पीछे धकेला था, अब समाज आगे जाना चाहता है तो 10% के आगे जाने से तो नहीं होगा, 70-80% को तो आगे निकलना पड़ेगा, तो तुमको भी हमारे साथ चलना है, तो तुमको हम रिजर्वेशन देंगे शिक्षा में, नौकरियों में, सुविधाओं में। तो मैं ये मानती हूं कि हमें समता और समानता दोनों देने हैं, कई बार केवल समानता देने से काम नहीं चलेगा। अब आप कमला जी को धन्यवाद दीजिए और जाइए। बिल्कुल बिल्कुल कमला जी, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आज यहाँ रुक नहीं रहा है, आपने अभी जो कहा वो कहा, आगे से हम इन सारे विचारों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हम इन पर लगातार सोचेंगे, इन पर बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे, और हम अश्योर करते हैं कि हम स्कूलों में अपनी क्लासेस में इन इश्यूज को लेकर जाएंगे और इन पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सेशन हम आज खत्म नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। एक सवाल पूछ लूं? जी जी एक सवाल पूछिए। हेलो जी जी पूछिए। हाँ पूछिए। एक सवाल पूछूं क्या? पूछिए कमला जी। जी हाँ पूछिए। आज कितने लोग शामिल हुए हो? मोनिक दीपा जी करीब 1 घंटे पहले मेरे पास आज 250 का काउंट आया था। कितने 500 किया होगा? 500 लोग इसमें दिखाए हैं, 500 ज्यादा होते हैं, ज्यादा होंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कमला जी बाद में, हम मुनि दीपा से लेके जानकारी। लेकिन 500 के करीब है मैम। कमला जी का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए कृति रैप अप कर दीजिए। मैम का शायद ड्रॉप हो गया है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों का और जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं अलग अलग माध्यमों से, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और कमला जी आने की कोशिश कर रही हैं तो देखते हैं अगर एक बार। हाँ मैम आ गई। तो मैम लगभग 500 लोग जुड़े थे आज। हाँ जी आज कमला जी 500 लोग जुड़े थे। ठीक है भाई, आप सुन पा रही हैं आवाज? अच्छा शायद आवाज पहुंच नहीं पहुंच रही है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि अगले विमर्श में भी आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए मैम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी धन्यवाद,
मणिदीपा, बकुल, फिरोज, आलोक, पूरे अजीम प्रेमी फाउंडेशन की टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब ने ये प्रयास किया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू मैम। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।